हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। गियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बॉयलर और उसके टाइप्स। देखिए, बॉयलर हमारे पास अलग अलग होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। तो मैं आपको टाइप्स दिखाऊंगा, अलग अलग टाइप्स है हमारे पास। अभी जो है ये मॉडल है लोकोमोटिव बॉयलर का। तो लोकोमोटिव बॉयलर क्या है उसके बारे में पूरी कंस्ट्रक्शन की एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप देखिए, लोकोमोटिव बॉयलर ज्यादा आपने जहां देखा होगा वो पुरानी फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में जैसे देखना ट्रेन्स जो होती है, तो ट्रेन्स में जो इंजन लगा होता है उसके साथ वो एक आगे आपने देखा होगा कि ये गोल सा लगा होता है, डिजाइन उसका गोल होगा। तो वो गोल एक्चुअली क्या होता है, बॉयलर होता है। तो बॉयलर के साथ जैसे ही पानी गर्म होता है वो स्टीम जो बनती है, वो जो स्टीम होती है वो इंजन को चलाने में काम आती है। तो यहाँ पे हमारे पास लोकोमोटिव बॉयलर है, आप इसको देख सकते हैं। ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर है। इसमें यहाँ पे जो है फायर ग्रेट है, मतलब यहाँ पे आग जलाई जाती है, फायर जलाई जाती है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका, हमारे पास अलग अलग इसमें क्या है कि मल्टी ट्यूब बॉयलर होता है, इसमें ट्यूब्स ज्यादा होती हैं इसके अंदर, और फायर जो होती है वो ट्यूब्स के अंदर रहती है। और यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं ब्लो ऑफ कोक। तो ब्लो ऑफ कोक क्या होता है, जब भी आप पानी इकट्ठा, इसमें पानी है तो पानी जब इसके अंदर धीरे धीरे इकट्ठा होते थे, नीचे इसके मड मतलब जो कीचड़ की तरह है वो जमने लग जाता है। तो हम इसे ब्लो ऑफ कोक को खोल के उसकी सफाई कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे विसल है, ये विसल जो है वही उसी जैसे आप देखते हैं प्रेशर कुकर में वो विसल होती है, वो विसल कर देती है अगर प्रेशर ज्यादा होता है। तो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व यहाँ पे लगाते हैं, तो ये इसीलिए है ताकि अगर स्टीम का प्रेशर ज्यादा होता है तो ये वॉल्व उसे स्टीम्स को सेफ्टी के लिए बाह होता है, सेफ्टी के लिए होता है। तो यहाँ पे वाटर गेज है, यहाँ पे वाटर गेज है, तो पानी का लेवल इसके अंदर कितना है वो आप वाटर गेज से पता कर सकते हैं। स्टीम डोम है, यहाँ स्टीम डोम में क्या स्टीम इकट्ठी होने लग जाती है और इसके थ्रू स्टीम हम ले सकते हैं, आगे कहीं भी दे सकते हैं। ये चिमनी है हमारे पास, ये जो चिमनी है कि धुआं क्या होगा कि यहाँ से मल्टी ट्यूब बॉयलर है, यहाँ पे देख सकते हैं जो फायर है, धुआं है, वो आग जो जलेगी, जो हमारे पास फ्लू गैसेज होंगी वो फ्लू गैसेज यहाँ से निकल के चिमनी के थ्रू होती हुई बाहर की ओर आ जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे चिमनी का ये फंक्शन होता है। तो ये हमारा लोकोमोटिव बॉयलर, जो मैं आपको टाइप बताने जा रहा हूँ वो है लंकाशायर बॉयलर। लंकाशायर बॉयलर का हमारे पास ये एक मॉडल है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारे पास फायर ट्यूब बॉयलर होता है और इसमें दो ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर फायर रहती है और जो बाहर ड्रम है उसके अंदर वाटर रहेगा। तो हमारे पास ये, इसको मैं ओपन करके दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, यहाँ पे जो दो ट्यूब्स हैं ये, ठीक है, ये फायर ट्यूब बॉयलर है, इसलिए दो ट्यूब्स ये हैं जो फायर आग जो फ्लू गैसेस है वो यहाँ से क्रॉस करेंगी, यहाँ से जो है वो क्रॉस करेंगी और हीट इसके अंदर रहेगी, और ये ड्रम जो है इसके अंदर पूरा वाटर होगा, और ये दो ट्यूब्स हैं जिसके अंदर फ्लू गैसेज होंगी। ये फ्लू गैसेज थ्रू आउट द ट्यूब आगे की ओर जाएंगी और चिमनी के थ्रू बाहर आ जाते। तो फ्लू गैसेज उधर से आती हुई, फ्लू गैसेज उधर से आती हुई इधर से आके और चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो हमारे पास ये अच्छा मॉडल है दिखाने के लिए। तो इसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं, तो ये हमारे पास लंकाशायर बॉयलर है। तो यहां से आप देख सकते हैं, देखिए ये जो यहां पे है, तो आप हीट को यहाँ से एंटर करवाते हैं और हीट बाहर वहाँ से चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती है। यहाँ पे हमारे पास वाटर लेवल इंडिकेटर है, जो इसके अंदर पानी का लेवल कितना है वो शो करेगा, वाटर लेवल इंडिकेटर है। और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग सेफ्टी वॉल्व है, यहाँ पे डेड वेट सेफ्टी वॉल्व है, डेड वेट सेफ्टी वॉल्व जैसे अपनी विसल होती है जो अपने प्रेशर कुकर में होती है, उस वैसे ही सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे डेड वेट सेफ्टी वॉल्व है, और ये है स्टॉप वॉल्व। अगर आपने स्टीम को रोकना है कि इतनी से ज्यादा मुझे और स्टीम नहीं चाहिए, तो स्टॉप वॉल्व है यहाँ पे। और यहाँ पे है लो वाटर सेफ्टी वॉल्व, अगर मान लीजिए कि आपके पास पानी कम रह जाता है तो ये वाला सेफ्टी वॉल्व जो है वो हमारे इजीली काम आ सकता है। किसके लिए, लो वाटर सेफ्टी वॉल्व, अगर पानी कम हो जाता है तो यहाँ से पता लग जाएगा और ये सेफ्टी वॉल्व एक्टिवेट हो जाएगा अगर पानी कम है तो।
तो इस तरह से हमारा जो लंकशायर बॉयलर है, ये है 5-2 बॉयलर, इसमें दो मेन ट्यूब्स हैं, और जो हमारे पास दूसरा था लोकोमोटिव बॉयलर वो मल्टी ट्यूब बॉयलर था। आप याद रखिए, वहां मल्टी ट्यूब बॉयलर है, यहां से दो ट्यूब्स हैं जो इसके अंदर फ्लू गैसेस होती हैं, वो है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो हमारे पास ये एक मॉडल है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर का। यहाँ पे हमारे पास ड्रम है, ठीक है, ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर है। देखिए, ट्यूब्स में वाटर रहेगा और जो फ्लू गैसेस है वो बाहर रहेंगे। हमारे पास ये जो है इसमें क्या होगा कि वाटर यहाँ से नीचे की ओर आएगा, और ये ट्यूब्स हैं, इसमें ट्यूब्स में क्या है, पानी रहेगा, और हम जो हीट, हम जो फर्नेस में आग जलाएंगे, हम जो फायर चलाएंगे वो यहाँ पे होगी, और जो जैसे ही हीट इसके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो उसके कारण पानी जो है बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर स्टीम बननी शुरू होगी, वो स्टीम जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगी और यहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, और स्टीम इकट्ठी होती जाएगी, उसको हम अलग से एक पाइप के थ्रू आगे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास बैबकॉक एंड विलकॉक्स का एक छोटा सा मॉडल है। इसमें यहाँ पे फिर वाटर गेज है जो आपके पास पानी का लेवल शो करेगा कि पानी कितना है इसके अंदर, और यहाँ पे स्टीम गेज है, आप देख सकते हैं कि प्रेशर कितना है, इस गेज के थ्रू हमारे पास प्रेशर गेज है, और अलग अलग हमारे पास एसेसरीज होती हैं। तो एसेसरी और माउंटिंग्स में इतना ही फर्क होता है। देखिए, एसेसरी जो होती है वो आपके पास एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, आप एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं अपने बॉयलर की, तो एसेसरी यूज करेंगे, लेकिन माउंटिंग्स वो होती हैं जिसके बिना आपका बॉयलर काम नहीं कर सकता, ठीक है, बॉयलर माउंटिंग्स वो चीजें होती हैं। तो जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर है, स्टीम स्टॉप वाल्व है, सेफ्टी फीड चेक वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है, ये सारे जो है वो माउंटिंग्स में काम आते हैं, कि इनके बिना हमारा जो बॉयलर वो वर्क नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ एसेसरी में, जैसे हम स्टीम सुपर हीट करना चाहते हैं, ये सारी जो होती है वो एसेसरीज में आती है। आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई मुझे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।